हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, क्या आपको बिलासपुर शहर में लासा, अप्सो एंड शिडजू के पपीज चाहिए? तो सही वीडियो पे आए हो। क्या है, मैं पहले शिडजू ही और लासा का ही दो, एक मेल फीमेल लेके आया था। पेट भर के क्या भी है इनका? हाँ, अच्छा, जिनका भर के वो चले गए। और जिसे भी डिमांड रहता है व्यूवर्स का कि मेरे को प्योर व्हाइट में चाहिए करके, तो अच्छा, वो भी बताइए अपने व्यूवर्स को। मिल जाता है भी हमारे यहाँ, ऐसा रहता है 12 महीने में हर महीना मिलता ही है बच्चा, किसी न किसी फीमेल का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 10 से 12 फीमेल है। भैया ऐसा है कि ये जितने भी बच्चे हैं लासा है, अच्छा, और बच्चे और भी है लासा और शिडजू भी है। लासा अच्छा, का जो है अपने पास 6 बच्चे और हैं, जो बुकिंग करना चाहे वो उसको बुक कर सकते हैं। उसका भी छोटा छोटा बच्चा है, इसमें मेल फीमेल दोनों मिल जाएगा भैया। अच्छा, ये तो मेल है बोल दीजिए, ये देखिए। हाँ हाँ, ये मेल फीमेल सब आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, एनी टाइम कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसका बाल जो है बहुत ज्यादा लंबी लंबी हो जाए तो उसको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है भैया बाल के। और शिडजू जो है ऐसा है कि उस ब्रीड को बच्चे ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, और साथ में ऐसा है कि बाहर अगर निकल गए तो कोई भी उठा के ले जा सकता है। गाइस, अगर आपको शिडजू एंड लासा के पपीज चाहिए तो प्राइसिंग कैसा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, क्या आपको बिलासपुर शहर में लासा, अप्सो एंड शिडजू के पपीज चाहिए? तो सही वीडियो पे आए हो। दोस्तों, आज मैं आ चुका था मुकेश भैया के घर। दोस्तों, मुकेश भैया पिछले 5 से 6 सालों से लासा, अप्सो एंड शिडजू ब्रीड पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पकड़ा हूँ शिडजू को और भैया पकड़े हैं लासा, अप्सो। दोनों फीमेल में है गाइस, अडल्ट फीमेल है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो लासा के पपीज है, और जो शिडजू का पपीस था, बच्चे थे, वो बहुत छोटे थे, इस वजह से आपको अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, चलिए भैया से पूछते हैं, प्रेम से क्या बोलते हैं भैया इसको, क्या बोलते हो भैया आप? इसका नाम स्नोवी है भैया। अच्छा, स्नोवी रखे हो। हाँ। और इसका क्या नाम रखे हो शिडजू का भैया? इसका जेनी नाम है भैया। अच्छा अच्छा, कितने एज के हैं इन लोग? ये 2 साल की है। अच्छा, और ये लगभग वही 2 साल में थोड़ा कम है। अच्छा, हाँ। 2 साल होने को है। हाँ, होने को है 2 साल। तो उसके अलावा जैसे कि स्टड सर्विस भी आप अवेलेबल? हाँ, रखते हाँ, हैं हमारे पास लासा और शिडजू दोनों स्टड में हैं। और भैया मेरे को ये बताइए, इसी ब्रीड को आप क्यों चुने हैं, ये बताइए तो मेरे को। भैया शौक क्या है, मैं पहले शिडजू ही और लासा का ही दो, एक मेल फीमेल लेके आया था। और उसके बाद से ही ठीक लगा तो मैं आगे फिर इसी में काम करना पसंद किया। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसमें बताइए क्या खासियत लगा भी, इतने साल हो गए आप इसको रखे हो अपने पास, कुछ यूनिक चीज इसके बारे में बताइए। यूनिक ये है भैया कि कम स्पेस में इसको रख सकते हैं। अच्छा, 12x12 रूम में आप 2 ठो फीमेल हम रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, और बड़ा ब्रीड में ऐसा रहेगा कि उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, बाहर घुमाने के लिए उसके लिए स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे तो वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको लासा शिडजू को एक रूम में जैसे रख सकते हैं, इसके लिए अपना लासा शिडजू चेंज किया। अच्छा, छोटे फ्लैट में रखना हो गया बोल दीजिए, सब चीज को देख के मतलब की। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो लासा के जो पपीस है वो दूध पी रहे हैं, क्योंकि इनका दूध पीने का समय हो चुका था। ये आप देख सकते हो कितने प्यार से पी रहे हैं भाई, धीरे धीरे। अरे पियो ना, पेट भर गया क्या? पेट भर गया क्या भी है इनका? अच्छा, जिनका भर गया वो चले गए। और फूड भी कम खाते सुना था भी हमें। हाँ, फूड का ऐसा रहता है भैया, इन लोग का क्वांटिटी कम रहता है। अच्छा। जैसे हम लेबरा हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, उन लोग को जितना क्वांटिटी देते हैं उतने में इन लोग 3 लोग 4 लोग आसानी से खा लेते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग बोल दीजिए जी। तो दोस्तों, अगर आप बिलासपुर शहर में छोटे फ्लैट में रहते हैं या फिर कहीं पर भी रहते हैं, तो अगर आपको छोटे घरों के लिए अच्छा सा कोई डॉग चाहिए पेट के लिए, तो वो शिडजू एंड लासा अप्सो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो भैया इसके बारे में बताइए ना भैया, कि इसका हाइट कितना होता है, क्या है इसके बारे में, लीटर साइज बताइए, सब चीज बताइए थोड़ा सा। इसका हाइट जो आएगा भैया 9 इंच से लेके 12 इंच तक। अच्छा, लासा का बोल दीजिए। लासा और शिडजू दोनों का रहेगा, ऑलमोस्ट थोड़ा कम रहेगा। लासा का जो मुंह रहेगा भैया ये पंच फेस नहीं रहेगा, थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा। शिडजू का रहेगा पंच फेस रहेगा, बाल दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, और दोनों का जो बाल है वो जमीन तक टच होते हैं। हाँ हाँ भैया, अभी तो ये ग्रूमिंग हो चुका है दोनों, ये अच्छा, नहीं हुआ अच्छा, है अच्छा, इसका कर चुके हैं। और जिसे भी डिमांड रहता है व्यूवर्स का कि मेरे को प्योर व्हाइट में चाहिए करके, तो अच्छा, वो भी बताइए अपने व्यूवर्स मिल को। मिल जाता है भैया, हमारे यहाँ ऐसा रहता है 12 महीने में हर महीना मिलता ही है बच्चा, किसी न किसी फीमेल का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ 10 से 12 फीमेल है। अच्छा अच्छा, दोनों के फीमेल है कि एक के भी है? दोनों के हैं, टोटल मिला के 10 से 12 फीमेल है। जी जी, शिडजू अपने पास 5 फीमेल है और लासा का भी 5 फीमेल है। और जैसे स्टड में कितने हैं भैया आपके पास स्टड? स्टड में भैया एक लासा ब्लैक कलर में है। अच्छा। और शिडजू जो है ट्राई कलर में है, जो ये जेनी है इसी के कलर में है अपना शिडजू। अच्छा, शिडजू बोल दीजिए। हाँ, जो मेल है ये थोड़ा सा जा रही है जेनी।
तो यानी घूम के आओ। तो कितना लीटर हुआ है अभी और कितना होता है लीटर साइज बताओ तो थोड़ा सा। जी भी अभी ऐसा रहता है कि लासा का अपना लीटर चार पपीस से लेके सात पपीस तक ये दे देता है बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा। और सिडजू का जो रहता है भैया तीन बच्चे चार बच्चे से लेके पांच बच्चा छह बच्चा ऐसा वो भी हो जाता अच्छा, है। मतलब लीटर साइज भी काफी लीटर अच्छा है बोल दीजिए। लीटर साइज भी कम स्पेस का बात तो जैसे बता ही रहे हैं आप। भैया ऐसा है कि ये जितने भी बच्चे हैं लासा है अच्छा। और बच्चे और भी है लासा और सिडजू भी है लासा अच्छा। का जो है अपने पास छह बच्चे और हैं जो बुकिंग करना चाहे वो उसको बुक कर सकते हैं। उसका भी छोटा छोटा बच्चा है अच्छा। अभी ऑलमोस्ट 15 दिन का है वो। अच्छा मतलब प्री बुकिंग कर सकते हैं हाँ। एक आध दो महीने बाद आप लेके जा सकते हैं जब बड़े हो जाएंगे बोल जी जी। ऑलमोस्ट सेम है कलर अच्छा। यही रहेगा अच्छा। व्हाइट एंड ब्लैक और ब्राउन तीनों मिक्स कलर जो है। और बच्चे हैं अपने पास करीबन 7 से 8 बच्चा और लासा का है। सिडजू का बच्चा भी अपने पास 5 बच्चे हैं। और भैया जैसे कि व्हाइट में अभी नहीं हुए हैं कैसे भैया? नहीं व्हाइट में हुआ नहीं है भैया अभी। व्हाइट का अभी थोड़ा टाइम है ऑलमोस्ट 2 महीना टाइम है उसमें। अच्छा 2 महीना टाइम है बोल दीजिए। जी जी मतलब कि पपीज हो चुके हैं बड़ा हो रहा है कैसा है? नहीं, नहीं, नहीं होने वाला बच्चा है? जो है भैया अभी हुए नहीं है। अच्छा तो वो डिपेंड करता है आया नहीं आया। हाँ, हाँ वो भी है। हम लोग ऐसा है कि एक फीमेल से साल में एक ही बार लेते हैं। साल में तो 2 बार ले सकते हैं लेकिन साल में एक ही बार लेते हैं क्योंकि उनका भी हेल्थ देखना पड़ता है। अच्छा लीटर साइज अच्छे से बना रहे बोल दीजिए इसलिए साल में एक बार ले। और भैया जैसे कि लासा हो गया सिडजू हो गया दोनों में व्हाइट कलर आता है भैया? हाँ भैया लासा और सिडजू में दोनों में व्हाइट कलर आता है। तो इन सब से हैवी चार्ज रहता है उसका कि कैसे रहता है कलर के अकॉर्डिंग भी है ये बताइए? डिमांड तो उसी का ज्यादा है हाँ व्हाइट कलर का ज्यादा डिमांड है लेकिन व्हाइट कलर का रेट भी और ये ट्राई कलर का रेट दोनों ऑलमोस्ट सेम है। आजा और जैसे कि कई लोग का कंफ्यूजन रहता है सिडजू लासा सब सेम दिख रहे हैं आप अच्छा। सेम ब्रीड ऐसे करके तो वो अलग है कि सेम है ये भी बताइए तो मेरे पास को क्या है? देखिए भैया लासा और सिडजू का बहुत फर्क है। जैसे उसका पहले तो फेस का फर्क है फेस में हल्का सा निकला रहता है लासा का। सिडजू का थोड़ा सा दबा हुआ रहता है फेस पंच फेस रहता है। बाल में थोड़ा सा ऐसा रहता है सॉफ्ट रहता है सिडजू का और लासा का थोड़ा हार्डपन रहेगा बाल उसका। सो गाइस यहां पर आप देख सकते हो लासा के पपीस है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कितने प्यारे दिख रहे हैं भाई दिखा दीजिए तो भैया ये देखिए इसमें मेल फीमेल दोनों मिल जाएगा भैया। अच्छा ये तो मेल है बोल दीजिए ये देखिए। हाँ हाँ ये मेल फीमेल सब आ जाएगा मिल जाएगा आपको। हाँ जी हाँ जी एनी टाइम कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ अपने पास बच्चा है हमेशा रहेगा। अच्छा हमेशा अवेलेबल रहता है बोल हमेशा रहेगा भैया ये आप देख सकते हो। टोटल अभी 7 है बोल दीजिए भैया। जी जी 7 है इसमें का भैया। एक बच्चा जो है रायगढ़ जाने वाला है। अच्छा रायगढ़ जाने जी जी 23 तारीख को रायगढ़ चला जाएगा। मेल का डिमांड क्या है कि फीमेल का डिमांड क्या है? उनको फीमेल चाहिए भैया। और भैया जैसे कि लासा हो गया एंड सिडजू हो गया दोनों का ग्रूमिंग वगैरह का कैसा सीन रहता है थोड़ा बताइए व्यूअर्स को हमारे। भैया ऐसा रखा है ग्रूमिंग का जैसे आंख में इसका बाल पड़ता है। अच्छा यहाँ पे तो आंख के बाल को आप हल्का से ट्रिमिंग कर दिए और इसका बाल जो है बहुत ज्यादा लंबी लंबी हो जाए तो उसको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है भैया बाल के इसमें गीला ना हो जाए। गीला हो गया तो उसको साफ कर दिए अच्छे से वॉश कर दिए तो उसमें क्या है ठीक रहेगा भैया। मतलब कि नॉर्मल जो चीज है उसको खुद कर सकते हैं और ज्यादा जैसे कि बाल वगैरह एकदम से कटिंग कराना है तो अपना जाना पड़ जाएगा। हाँ जाना जी जी हम लोग भी ग्रूमिंग के लिए करते हैं वैसे। और भैया जैसे कि गार्ड पर्पज से सिडजू एंड लासा को रखना चाहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा व्यूवर्स को बताइए या फिर कैसे इनके बिहेवियर बताइए थोड़ा सा। भैया ऐसा है कि लासा जो है और सिडजू दोनों गार्ड पर्पज से नहीं रख सकते। और सिडजू जो है ऐसा है कि उस ब्रीड को बच्चे ज्यादा खेलना पसंद करते हैं और साथ में ऐसा है कि बाहर अगर निकल गया तो कोई भी उठा के ले जा सकता है उसको सिडजू को। हाँ अच्छा। सिडजू जो है ज्यादा भोंकता नहीं है भैया? भोंकता है जरूर है लेकिन काटने का काम वैसा नहीं है उसको वैसा नेचर नहीं है। और लासा का? लासा थोड़ा सा तेज रहता है। अच्छा हाँ थोड़ा सा तेज रहता है। कोई कोई ऐसा रहता है कोई कार्ड भी देता है। हाँ। कोई ऐसा रहता है कि कोई कार्ड भी नहीं देता बट अलर्ट करते जरूर है बोल दीजिए। हाँ, अलर्ट जरूर करेगा। अच्छा। लासा और सिडजू भी दोनों ऐसा गार्ड पर्पस से हम यूज नहीं कर सकते मतलब रखने कुछ भी अगर देखेगा तो अलर्ट करेगा मालिक को बताएगा ऐसा ऐसा। हाँ, करके मतलब कि घर में कोई आ गया घुस गया ना तो बता देगा कि कोई आ गया। लासा और सिडजू दोनों बताएगा। ऐसा है भैया कि ये अगर आप लेके जा रहे हैं इसको जब बाय कर रहे हैं आप लोग तो ध्यान सिडजू और लासा को तो ध्यान ये रखना होगा ज्यादातर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। आप इसको लेके गए
और बाहर आउटडोर में आप उसको रख दिए, तो ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये अंदर में रहेगा, घर के अंदर में रखना इसको पसंद, इन लोग का ज्यादातर ऐसा रहता है कि घर के फैमिली मेंबर से ही रहना पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा फैमिली डॉग है, इसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा ही। और अच्छा रहेगा भैया कि अगर बाहर में रख दिए तो गर्मी भी लगेगा इन लोग का, क्योंकि बाल इसका बहुत ज्यादा हेयर जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके नाम से इसको गर्मी लगेगा, तो आप इसको ज्यादातर कोशिश करें कि कूलर पंखा में रखने के, गर्मी के दिन में, गर्मी से इनको दिक्कत होती है, गर्मी के दिन में, जी गर्मियों के दिनों में बोल दीजिए, हेयर की वजह से बोल दीजिए, हाँ हेयर की वजह से। इसके नॉट्स वगैरह बना सकते हैं, छोटे वगैरह बना सकते हैं? बिल्कुल भैया, ये तो उन्हीं के लिए है, बाल बहुत बड़े बड़े हो जाएगा, इसका पूरा सामने का ये पूरा ढक जाएगा, यहाँ का पैर का पूरा बाल आ जाएगा, ये यहाँ पास का आ जाएगा, पेट के पास का पूरा बड़े बड़े रहेगा इसका बाल। अच्छा अच्छा, लासा सिडजू दोनों का, दोनों का लासा सिडजू दोनों। सो गाइस, अगर आपको सिडजू एंड लासा के पपीस चाहिए तो प्राइसिंग कैसा है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लासा के पपीस है, ये आपको 10 से 12 हजार के समथिंग में मिल जाएगा लगभग। एंड उसके अलावा अगर आपको सिडजू के पपीस चाहिए तो वो आपको 15 से 16 हजार में मिल जाएगा। बाकी भैया से आप आके प्रॉपर और अच्छे से बात कर सकते हो, अच्छे प्राइस में भैया आपको सिडजू एंड लासा के पपीस अवेलेबल करा देंगे। और जैसे भैया बिलासपुर के बाहर के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको चाहिए सिडजू एंड लासा अपसो के पपीज, तो होम डिलीवरी भी अवेलेबल है भैया, उसका कैसा चार्ज है वो भी थोड़ा सा बता देते भैया। भैया ऐसा है कि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई अगर मंगा रहे हैं तो उसको हम लोग डिलीवरी करा देंगे, डिलीवरी बॉय जो है उसको उसके पर्पज से पहुंचा देंगे, और कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो पाएगा भैया, इसके लिए कम से कम आपको 50% देना पड़ेगा एडवांस में तौर में, उसके बाद हम भेज देंगे। और बाहर के जैसे लोग हैं, जैसे अपना छत्तीसगढ़ के बाहर है, तो उसको कम से कम 80% पेमेंट देना पड़ेगा भैया, उसके बाद ही बच्चा पहुंचेगा छत्तीसगढ़ के अंदर, तो आपको 50% देना पड़ेगा जी, जैसा इसका रेट है उसके हिसाब से। जी हां, एंड बाहर है तो आपको 80% देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो स्वाभाविक सी बात है, दूर हो तो आपको तो चार्ज लगेगा ही लगेगा, बाकी इस क्वालिटी में अगर आपको पपी चाहिए तो भैया तो आपको दिला देंगे, तो आप जरूर कांटेक्ट करेगा, क्योंकि इस क्वालिटी में आपको पपी कहीं नहीं। या बच्चा तो ऐसा रहेगा एनी टाइम कभी भी बुक कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। अच्छा, साल में पूरे हर महीना आपको बच्चा मिल जाएगा हमारे पास से। अच्छा। लासा एंड सिडजू, बाकी आपको दूसरा ब्रीड के चाहिए जैसे लेबरा जर्मन हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गए, वो हम बाहर से मंगा के आप लोग को देते हैं। अच्छा, और आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को बारे में बता देते तो भैया। मेरा यूट्यूब चैनल भी है होम ब्रीडिंग डॉग शॉप बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम से है। हाँ जी, सेम आईडी अपना इंस्टाग्राम में है, बोल दीजिए। जी जी, होम ब्रीडिंग डॉग शॉप बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम से वो भी है। सो गाइस, मुकेश भैया से मैंने बात किया, बहुत चीज आपको जानकारी मुकेश भैया ने दिया होगा, मैं आपको बहुत चीज कोरबा बिलासपुर छत्तीसगढ़ सभी जगह के वीडियोस बना के आपको दिखाते जाता हूँ, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा ऐसा ही अगर आपको वीडियो बनवाना है तो मुझे कमेंट करिए, कांटेक्ट करिए मेरे इंस्टाग्राम में, सारे चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके आपको पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। अच्छे से प्राइस में चाहिए लासा अपसो एंड सिडजू के पपीज, तो मुकेश भैया को बिलासपुर शहर में कॉन्टेक्ट करिए, दिला देंगे ना भैया हमारे ग्राहक, मिल जाएगा एनी टाइम मिल जाएगा। लाइक बोल दीजिए भैया, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।